और अब शुभारंभ होता है इस महानाट्य का जिसका नाम है जानता राजा। आरती के माध्यम से इस महानाट्य का शुभारंभ करें। अनुरोध करूंगी मैं सभी मंचासीन गणमान्यों से और दर्शक दीर्घा में बैठे अपने सभी हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जल तरंगा शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे सभी मंचासीन गणमान्यों से अनुरोध है कि मंच के समक्ष अपना स्थान ले लें। भवानी जय भवानी। और अब शुभारंभ होता है इस महानाट्य का जिसका नाम है जानता राजा। जानता राजा मंचन क्रमांक 1136 साक्षात खूबसूरत लावणी। अरे देख देख देख, चांद को कहती है निकलो मत, सितारों से कहती है मिटना मत, लेकिन दोस्त एक राज बताऊं तुम्हें।
अनर्थ हुआ, पठानों ने आक्रमण किया। उनका सरदार था अलाउद्दीन खलजी। पठानों की फतेह हुई, देवगिरी तहस नहस हो गई। कत्लेआम करो, इस वन की खाल खींचकर उसे देवगिरी के दरवाजे पर लटका दिया जाए। क्या लिखा भाग भगवान, रोए करुण तेरी संतान, रोए के बाद वर्ष बीतते गए। इसी तरह 250 वर्ष बीत गए। ऐसी काली अभागी रात में पैठन के मंदिर में अनाथ लोगों का एक नाथ तड़प रहा था और मां जन जगदम्बा के दरवाजे पर पुकार पुकार कर कह रहा था, करवीर अम्बे प्रकट हो जा, माहूर लक्ष्मी प्रकट हो जा। कंस रावण को तूने ही मारा, हिरण्यकश्यपु की आग तूने बाहर निकाली, सागर पार कर तूने ही लंका की होड़ी जलाई, नवखंड पृथ्वी ये तेरी कंचुकी, सप्त पाताल में तेरे ही चरण, ऐसी तेरी कीर्ति यही तेरी मूर्ति, इसी तरह की भक्ति इसी तरह की शक्ति। तो फिर मां अब क्यों रूठी हो, हे चंडमुंड भंडासुर खंडिनी जगदम्बे, उद्दंड दंड महिषासुर मर्दिनी दुर्गे, महाराष्ट्र धर्म रक्षिके तुलजा भवानी प्रकट हो जा, प्रकट हो जा मां प्रकट हो जा। महाराष्ट्र भाग्य भवानी जिजाऊ के रूप में प्रकट हुई। वो शाहजी राजा की गृहस्थी में आ गई। जिजाऊ हमेशा बेचैन रहती थी। शाहजी राजे अहमदनगर की निजामशाही की जी जान से नौकरी कर रहे थे। इस निजामशाही को डुबा देने के लिए दिल्ली और बीजापुर से शाही फौज इकट्ठा होकर हमला करने आई। रानी साहिबा, रानी साहिबा, हमने दो की हो रही है महाराज। महाराज आपने कमाल की बहादुरी दिखाई है। आपने आज दो बादशाहों को हराया है, एक निजामशाही बचाई है।
आप इतना कुछ कर सकते हैं? इन सपनों को साकार करना हमारे बस में नहीं। 12 पुश्तों की गुलामी समा गई है हमारी रगों में और इस तलवार में। रानी साहिबा, आपके दिल में आखिर है क्या? बगावत। जिजाऊ के दिल में और सपने में लहराते थे बगावत के परचम। मां जगदम्बा के पास वो एक ही वर मांग रही थी। हे अंबिके, हे चंडिके, हे शारदे, वरदान दे, मुझे अस्त्र दे, मुझे शस्त्र दे, मुझे ज्ञान दे, मुझे बाण दे, उन्मत्त इन सिंहासनों को तोड़ने का सामर्थ्य दे, नाश करने दैत्यों का, हे अंबिके वरदान दे, हे अंबिके वरदान दे। और मोगरा खिल उठा। शाहजी राजा ने जान लिया, सखी सहेलियों ने पहचान लिया, जिजाऊ के पांव भारी हो गए। भीमाशंकर पर्वत की घनी जटाओं में और नाणे घाटी की डरावनी ओठों में मराठी राज्य के सभी कुल देवता शिवनेरी किले के इर्द गिर्द जैसे घाघर फूंक फूंक कर नाच रहे थे। की वो अंधेरी रात, ताइयां दौड़ती गई जीजाऊ के महल में। क्या क्या लड़का मराठों के महालक्ष्मी को पुत्र हुआ, पुत्र सह्याद्री को हुआ, पुत्र महाराष्ट्र को हुआ, पुत्र भारतवर्ष को हुआ। आदिशाही फौजों ने पुणे को बिल्कुल उजाड़ दिया, पुणे को कब्रिस्तान बना दिया। उसमें उस मता जान का भी सब कुछ मिट्टी में मिल गया, घर खाक हो गया, उसका कोई जिंदा नहीं बचा। पंत हूं बल्कि रानी साहिबा, मैं गाऊं कैसे, नाचूं कैसे? ना हाथों में ना पैरों में कोई ताकत बची। ये मेरा लाल है, आप रहो सलामत हजार बरस। शिवा, सिर्फ हम ही मां नहीं बेटा, ये मताजान भी आपकी मां ही है। ऐसी अनगिनत माताएं आपकी ओर उम्मीद से देख रही हैं। राजे, बड़े हो जाओ, बहुत बहुत बड़े हो जाओ। मराठों का सब कुछ मिट्टी में मिलाने वाले सिंहासन के सामने घुटनों के बल बैठोगे? नहीं नहीं राजे, आपका जन्म तो सूर्य कुल में हुआ है, आप इस अंधेरे की चाकरी नहीं कर सकते। आपने अगर बादशाह की जी हुजूरी की तो मराठे मुल्क के सभी देवी देवता अपना सर पीटते रहेंगे, रो रो के कहेंगे ये बेटा निकम्मा निकला। हे कोदंडधारी राम, क्या केवल मरते समय ही हमें आपको पुकारना होगा?
यहां सभी ओर देखो क्या हो रहा है। विश्व का झकझोर ना ये, धर्म का हो नाश भी, रो न सकते दिल खुले से, लात मारे हैं सभी। इन सभी के अपमान का बदला लेने के लिए राजे आप बगावत कीजिए। आपकी तलवार में साक्षात तुलजा भवानी वास करेगी। निश्चय करें तो आप काल चक्र को भी घुमा सकते हैं। महिषासुरों की गर्दनों को आसमान में उड़ाने के लिए। अरे तुम सब नरसिंह हो, अब हर स्तंभ चीर कर बाहर आओ, गरजते ललकारते आओ, भगवान को, देश को, सद्धर्म को और स्वराज को सोने के सिंहासन पर आसनस्थ कराने के लिए ही आपकी इन लपटों पर हम सवार हुए हैं। ये बगावत है तुलजा भवानी। जब धरती पर पहली बार सूर्योदय हुआ था उसी दिन इस ध्वज ने जन्म लिया, लेकिन आज ये अंधेरे में है राजे। हाँ माँ साहिबा, कल की सुबह ये ध्वज तोरणगढ़ पर लहराएगा। हिंदवी स्वराज का पहला सूर्योदय होगा इस ध्वज के साथ। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। हर आत्मा में चिंगारी, हर आत्मा में चिंगारी, हर सुरंग प्रलयंकारी, दुआएं आपको लग जाएगी। लेकिन आखिर हुआ क्या है मां साहिबा? ये रोने की आवाज। आपकी हुकूमत के रांझे गांव के बाबा जी पाटिल ने उसकी इज्जत लूट ली। आज तक कितनों की इज्जत उसे मिट्टी में मिलाई होगी वही जाने। क्या ऐसे जहरीले सांप का आपके राज में पाटिल के पद पे होना उचित है? पंत, उस बाबा जी पाटिल को हमारी अदालत में पेश किया जाए। जीवा मर्दों ने गिरफ्तार किया, उछला जो चना चना भर भुंजे का। जी महाराज, तुम गरीब, तुम पे तरस खाना ये गुनाह होगा। हमारी मां बहनें देवी समान हैं, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म की क्यों ना हो। हमारे इस स्वराज में एक अबला के साथ बलात्कार, तो फिर रामायण क्यों पढ़े? रामराज की जरूरत ही क्या? ये हिंदवी स्वराज है, मुगलों का राज नहीं। भैरव जी, इस हरामखोर के दोनों हाथ और पैर कलम कर दो, अभी इसी वक्त। महाराज, महाराज मुझे बचा लीजिए, मेरी जान बख्श दीजिए महाराज। क्योंकि महाराज आपका आशीर्वाद चाहता हूं। हमारा आशीर्वाद कैसा राजन? साक्षात भगवान पांडुरंग आपके साथ है। आपका निर्माण किया हुआ अखाड़ा कृष्ण की द्वारका जितना ही पवित्र है। राजन, ये ध्वज हाथ में लिए अनगिनत विजय प्राप्त कीजिए, राम राज्य का निर्माण कीजिए। चाहे मस्तक फूटे या शरीर टूटे, जप नाम तो कभी छोड़ना नहीं। जिसे निर्धार का बल, कहे तुका वही फल। बादशाह का खाना और उसी पर गुर्राना, ये नमक हरामी बंद कर दो। स्वराज का ये पागलपन छोड़ो और चुपचाप हमारे माई बाप जिल्ले इलाही की चाकरी करते रहो।
अपने ही देश में स्वराज का निर्माण करना क्या ये अपराध है? हाँ हाँ, ये गुनाह है। याद रखना राजे, भोसले के घर बार पर कल गधे का हल चलाया जाएगा और हजरत बादशाह के हुक्म से शायद हमें ही ये काम करना पड़ेगा। हम हुक्म मानते हैं सिर्फ अपनी मां साहिबा का और सलाह लेते हैं हमारी रानी साहिबा की। तो फिर स्वामी से हमारी एक ही सलाह है, राजनीति के बारे में। मन की नीति के बारे में। मैं कहती हूँ कि हाँ कहिए कहिए। कम से कम एक बार स्वामी हमारी सलाह मान ले। एक बार क्यों, जन्म भर? एक जन्म क्यों, सात जन्मों तक? बस शाहजी महाराज को बाजी घोरपड़े ने दगाबाजी से कैद कर लिया। शाहजी पकड़ा गया। शाही फौज शिवाजी की तरफ बढ़ रही है। तुम दोनों का मंगलसूत्र बादशाह हुजूर की मुट्ठी में है। उनके एक झटके से बाप बेटे की धज्जियां उड़ जाएगी। महाराज किस चिंता में डूबे हैं? आपको तो पता है रानी साहिबा, पिताजी और स्वराज दोनों की जान सूली पर लटकी है। हमारे तीर्थ स्वरूप पिता कैद में हैं। शाही रानी साहिबा, ये हिंदवी स्वराज होके रहेगा। और महाराज ने बेरसर गांव के पास शाही फौज पर छापा मारा। महाराज की शानदार जीत हुई। आदिलशाही फौजें बिखर गईं। चीते जैसी फौज ने छापा मार मार कर एक के बाद एक लगातार 22 किले कब्जे में कर लिए। 5 सालों में स्वराज चारों तरफ फैल गया। फुर्सत नहीं, सिंधु नदी के उद्गम से लेकर कावेरी नदी के उस पार तक पूरा हिंदवी स्वराज बनाना है हमें। तंजावर से पेशावर तक श्री का राज, हिंदवी स्वराज। आपको मावल मुल्क से हमने जानबूझकर बुलाया है पंत। स्वराज के प्रधानमंत्री हैं आप, एक साफ साफ सलाह चाहिए हमें। दस्तावेज पढ़ लीजिए। अपने अधिकार के गलत इस्तेमाल से एक गरीब की जमीन छीन लिया आपने और इस फजूल के काम के कारण जंजीरे की किलेबंदी में देर कर दी, हमारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। महाराज आप हमें पना दीजिए। ना मंजूर। झलकता शिवशाही का ठाट, कठिन पर भाग्यशाली ये बाट दी दी दी। कठिन पर भाग्यशाली ये बाट दी दी दी। मावल मुल्क स्वराज के खुशबूदार साए में पनप रहा था, लेकिन उसी वक्त मुझे मत मारिए, मैंने क्या गुनाह किया है? ज्यादा जबान मत चलाओ। उल्टे कलेजे की मुल्क हुआ खंक, लुटे रंक को लुटे गरीबों को। आतंक भरे थानेदार आदिल शाही का, शिवा का मामा कैसा रिश्तेदार खंस मामा जी। गरीबी, बस यही है इसका गुनाह।
गरीबों को लूटकर और पैसे वालों से रिश्वत खाकर मोहिते मामा बादशाह का राज चला रहा है। मोहिते मामा, कौन मांग सकता है उनसे जवाब? आपको मांगना चाहिए राजे, तलवार से। माँ साहिबा, लेकिन माँ साहिबा रिश्ता नाजुक है, वो आपकी सौतन के भाई हैं। पैसों का लालची इंसान और इंसान के खून का चस्का लगा शेर, दोनों एक बराबर होते हैं पंत। इलाज एक ही है, उसे गोली से फौरन उड़ा दो। वाह मासा, हमारे गरीबों का खून चूस के सुल्तान के नमक से ईमानदारी? राजन आप भूल रहे हैं, हम मामा जी हैं आपके। मामा साहब, हम बिल्कुल नहीं भूले। ये साजी, मामा साहब के हाथों पैरों में जंजीरें पहना दो। राजन याद रखना, ये अच्छा नहीं राजन। भैरव जी, अच्छा नहीं। मोहिते मामा की सारी दौलत जब्त कर लो और सूबे परगने में ढिंढोरा पिटवा दो। इन्होंने जिस किसी को बेईमानी से लूटा है वो अपना सामान और दौलत यहां से ले जाए। सुपे और करहे पठार स्वतंत्र हो चुके, मोरिया ने मन्नत पूरी की और भगवान खंडोबा प्रसन्न हुए। जीजुरी मंदिर की अनगिनत सीढ़ियां सोने से भी ज्यादा चमक उठी। फौज ने छापा मार मार कर एक के बाद एक लगातार 22 किले कब्जे में कर लिए। 5 सालों में स्वराज चारों तरफ फैल गया। फुर्सत नहीं, सिंधु नदी के उद्गम से लेकर कावेरी नदी के उस पार तक पूरा हिंदवी स्वराज बनाना है हमें। तंजावर से पेशावर तक श्री का राज, हिंदवी स्वराज। उन्होंने 84 बंदरगाहें और 25 जलदुर्ग हासिल किए। स्वराज की नौसेना सागर पर झूमने लगी, उछलती हुई लहरें जैसे महाराज के कदम चूम। मोतियों से भी मूल्यवान सागर की यह दौलत कुंकण विजय में महाराज के हाथ लगी। सैकड़ों भंडारी, आगरी और कोली जवान महाराज के चारों ओर इकट्ठे हो गए। हमारी बहु बेटियों को झपट कर वहां गुलामों के बाजार में बेचा, क्या ये ठीक है? उन्हें और उनके जहाजों को तोप से उड़ा दो। अरे आप कोंकण के जवान हैं, मर्द हैं, नारियल के पेड़ को मटके लगाकर शराब क्यों बनाते रहते हो? इस दरिया भवानी की भक्ति करो, दुश्मनों से निपट लो। हुकूमत नहीं की जाती, तुफ है हम पर, लानत है हमारी सिपाहगिरी पर। आदिलशाही सल्तनत के हद में मुगले आजम जहांगीर और शिवाजी भोसले हमारी सल्तनत को तबाह करने पर तुल गया है। कितनी शर्म की बात है, डूब मरने का मुकाम है। कहां गई हमारी शुजात को हुजूर के सामने पेश करेगा जिंदा
या मुर्दा। मरहबा, सुभान अल्लाह, जीते रहो बहादुर, खुदा तुम्हारी कुव्वते बाजू सलामत रखे। बंदा जहां पनाह के इशारे का मुंतजिर है। सुभान अल्लाह, मां बदौलत तुम्हारी हिम्मत की दाद देते हैं। यकीनन आप शान आदिल शाही हैं, खुदा तुम्हें कामयाबी अता फरमाए। खाक सार सर हथेली पर लेकर हतकल इम्कान जान की बाजी लगाएगा। वजीर आजम, शिवाजी के साथ बगावत में शामिल होने वाले तमाम मराठा सरदारों को अफजल खां की छावनी में दाखिल होने का फरमान रवाना किया जाए। मां बदौलत के हुक्म की तामील जल्द अज जल्द की जाए। आए तस्बीह, आवाज आयत के अफजल 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 उबल रहा है कबूतरों के मन, तूफान होगा इस दुनिया में, तुमसे टक्कर लेगा टक्कर लेगा टक्कर लेगा गाजी जान मुजाहिद जान, जलसा की चमकावे जलसा की चमकावे। खान की भारी फौज निकल पड़ी, उसमें आघाड़ी थे महाराज के अपने रिश्तेदार। लेकिन नाई, सभी पांच बेटों के साथ आए हैं आप, मंसूबा क्या है? मंसूबा, भारी मुसीबत आई है महाराज, सागर की तरह विशाल फौज लिए अफजल खान चढ़ाई करने आ रहा है। हाँ, हमें बात है। मां बदौलत तुमको हुक्म फरमाते हैं कि तुम शिवाजी को छोड़कर खाने आजम अफजल खान के साथ शामिल हो जाओ। अगर तुम शाही मुलाजमत में दाखिल हुए तो मां बदौलत तुम्हें माला माल कर देंगे, जागीर बख्शेंगे। हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हमारी वजह से आप अपने घर वालों और बीवी बच्चों को इस जंग के मैदान में तोप के आगे क्यों खड़ा करवाना चाहते हो? अगर आप खान के पास जाना चाहें तो खान साहब चार कदम आगे आकर आपका स्वागत करेंगे, आपको जागीर मिल जाएगी। ये ईमान सती का है, वेश्या का नहीं। लीजिए लीजिए, छोड़ देते हैं हम अपने घरबार को, अपने बीवी बच्चों को। इससे बेहतर तो यही होगा कि जेधे वंश का नाश हो जाए। आए अरकाने दौलत आयबर आए, सेना साहब मारने आए, बर्जी बहादुर थोपड़े आए, रुस्तम जंग चोरे आए, शमशेर चमकाते धोते आए, जंग संभालते आगे आए, झंडे लहराते शितोले आए, भाला छेड़ते ठोकते आए, पटा तोलते पाईगुड़े आए, भंडार बिखारते पाईगुड़े आए, बेतहाशा दौड़ते थोरा आए, चंदार घुमाते तलहाड़े आए, ये कोट पुकारते बंडगर आए, दुशाला सवारते फेगड़े आए, सुनजा राव आए, हिम्मत राव आए, विश्वास राव आए, दौलत राव आए, टुपे आए, सहाड़ आए, सावरे आए, तावरे आए, सब आए सब आए, आकाश पाताल गूंज उठे। महाराज, मावल की ये हथियार बंद भवानी अपने हजारों हाथों से आपकी रक्षा के लिए तैनात है। ये कदापि भूलना नहीं राजे, मुझे कुंती जैसा सम्मान दिलाइए। प्रकट हो जाओ। अकाल मृत्यु हरणम विघ्न व्याधि विनाशनम अम्बा पादोदकम तीर्थम जठरे धारयाम्यहम्। महाराज महाराज, वहां खतरा है, हमें साथ ले चलिए। महाराज महाराज, हमें भी साथ ले चलिए। नहीं नहीं वीरों, दिया गया अपना अपना काम ईमानदारी से करो, एक दिल एक जान होकर काम करो। कि दुभाइयों, अंतिम बार सुनो, अगर कुछ छल कपट हुआ, मुझे मार दिया गया। नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए। ऐसा मत कहिए महाराज, ऐसा मत कहिए। तब भी मत, नेताजी पालकर के हुक्म के मुताबिक आप लड़ते रहो।
राजे तुम्हारी ये सद्र तो हजरत शहन शाह आदिल से भी बेहतरीन है। तुम ये भूल गए हो कि तुम एक नाचीज शख्स हो। तू अपनी हिम्मत बहादुरी की शेखी बगाड़ता है, उनकी हुकूमत को ठुकराकर बेलाग बरतता है। खान साहब, डरो तो प्रभु रामचंद्र जी से डरो, हम आपसे क्यों डरे। और नहीं नहीं महाराज, हमारा स्थान यही है। महाराज, हाँ, एक अर्ज है। हुक्म कीजिए नाइक, वो आपका अधिकार है। महाराज, वो अपना खंडोजी खोपड़ा। खोपड़ा वो हमारा नहीं। सच है, लेकिन अब वो काफी पछता रहा है, जंगल में जा छिपा है। बहुत बड़ा एहसान किया भाई जी। दोबारा ऐसा पाप कभी मत करना। जाइए, हम किले पर महाराज को प्रणाम करने हाजिर हो जाइए। जाइए हाजी। महाराज बचा लीजिए। किलेदार, इसका दायां हाथ और बायां पैर काट दो फौरन। महाराज बचा लीजिए, मैं आपका सेवक हूं। महाराज बचा लीजिए मुझे। महाराज नाइक। महाराज कहिए। नाइक महाराज, हमें वचन देकर भी खंडोजी के हाथ पैर तोड़ दिए। नाइक, आप तो पिता समान हैं। प्रतापगढ़ किले की लड़ाई में इतना होना नाइक, खंडिया ने दगाबाजी की। दरअसल उसका सिर काटकर उसके शरीर के चार टुकड़े करके चार चौराहों पर गीदड़ कुत्तों को फेंक देने चाहिए, यही उसके लिए उचित होता। लेकिन नाइक, खामोश, आवाज बंद। महाराज, यह अंग्रेज फिरंगी। योर मैजिस्टी, खामोश। क्षमा कीजिएगा महाराज। नारो पंडे, आप इन अंग्रेजों के वकील, इन पराये लोगों के पापों की वकालत मत कीजिए। अंग्रेज आपसे माफी मांग रहे हैं। नामंजूर। दौलत खान, इन्हें किले व्याघ्रगढ़ पर बंदी बनाकर रखिए और इनके राजापुर के भंडार को जड़ से उखाड़ दीजिए। नारो पंडित, हमारे नुकसान की भरपाई के लिए जितना हम कहेंगे उतना हरजाना अगर इन अंग्रेजों ने नहीं भरा तो उम्र भर हमारे कैद खाने में सजा काटेंगे। गांव गांव के मेलों और यात्राओं में रौनक आने लगी। भैया
मराठी सैनिकों ने शहर सूरत की ओर कूच किया। शहर के बाहर एक अकेले घर में एक यूरोपियन औरत अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। उसके नन्हे बच्चों को बेरहमी से मार डालेंगे, उसके घर को खाक कर देंगे। वो इस बात से बुरी तरह घबराई हुई थी। आप लोग अंदर कैसे नहीं आए? मैं तो समझती थी कि आप शिवाजी राजा के लोग हमको मार डालेंगे, हमारा घर बार लूट कर सबको जला देंगे, हमारी जिंदगी बर्बाद करेंगे। ये हम जानते हैं, इस घर में एक बेवा औरत अपने बच्चों के साथ अकेली रहती है। हमारे राजा ने हमें आपकी हिफाजत के लिए ही भेजा है। मुगल सरदार दिलेर खान पठान ने किले पर धावा बोल दिया। किले पर मुगल सैनिकों ने अपना मोर्चा मजबूत कर लिया। खान की तोपों ने बारूद उगलना शुरू कर दिया। पुरंदर किले पर तैनात था महाराज का नामजद किलेदार मुरारबाजी देशपांडे। मेरे शाहबाज मर्दो, सिकंदर शमशेर के वीर फर्जंद हो तुम, जी जान लगा दो, विजय का सेहरा तुम्हारे ही सर पर होगा। तुम्हारी तलवार पर बा जगदम्बा ने पहले से मुगलों के नाम लिख दिए हैं। मारो मुगलों को और हिसाब दो जगदम्बा को। माँ तुलसा भवानी का नाम लो, माथे पर वीरता का तिलक लगाओ और टूट पड़ो दिलेर खान पर। तुलसा भवानी की। पुरंदर किले की रक्षा करते हुए मुरारबाजी देशपांडे ने अपनी जान कुर्बान कर दी। आखिर महाराज को पीछे हटना पड़ा। समझौते में 23 किले देने पड़े। आज जब हम अफजल खान से मिलने गए थे तब भी हमें डर महसूस नहीं हुआ। हमारे दिल में और महाराज के कमरबंद पर माँ भवानी जागती रही है, तो फिर डर किसका? महाराज कब लौटेंगे? अगर बादशाह ने प्यार का इजहार करके रख लिया तो 4 दिन ज्यादा रह जाएंगे आगरा में। और बादशाह औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को अपने यहां नजरबंद कर लिया। होकर उड़ गया, अपने घोंसले में आ पहुंचा। सभी तोपे आगरा की ओर मुंह करके गरज उठी। सभी सलामत घर पहुंचे। उसमें था ये शावक मदारी मेहतर। मदारी बेटा, पहला पासा फेंका तानाजी ने सिंहगढ़ पर। जीत ले किलों की माला।
साथ पूरे मुल्क को आजाद करो। महाराज इतना मुश्किल दांव? खेलो खेलो ये दांव छत्रसाल जी, शेर का खेल शेर को ही खेलना चाहिए। महाराज मुझे युद्ध का साहित्य दीजिए, फौज दीजिए, मेरी मदद कीजिए। छत्रसाल जी जाने जाना आजा भी शिकस्त नहीं देखी, लेकिन आज कंधार से तंजोर तक सारे हिंदुस्तान को मुगलिया सल्तनत में शामिल करने का ख्वाब देखने वाले महाबदौलत, सबसे शर्मनाक बात तो यह है शहजादे, जिस शिवाजी ने इनके लाल महल पर छापा मारकर इनके छक्के छुड़ा दिए, इसमें कोई शक नहीं कि हम खुश नसीब हैं, हमें दुश्मन भी मिला तो सिमा जैसा। शहजादे हुकूमत करनी है तो सिमा का चलन सीखो। करुण चीत्कारों से दिशाएं गूंज उठी, हवा ठिठक गई, गंगा सहमी सहमी बहने लगी, अपने दादाजी द्वारा निर्मित विश्वेश्वर का मंदिर गिरता देख के गागा भट्ट हैरान हुए। कलयुग का ये साक्षात ब्रह्मदेव तड़प रहा था, तरस रहा था, मन ही मन कह रहा था, हे काशी विश्वनाथ, हमारे दादाजी ने वेद उच्चारण के साथ आपकी प्रतिष्ठापना की थी और आज हमारी आंखों के सामने आपका ये मंदिर। गागा भट्ट रायगढ़ पहुंचे, महाराज ने इस महान वेद मूर्ति का स्वागत किया प्यार से सम्मान से। महाराज का रायगढ़ किला कैलाश जैसी शान से झिलमिला रहा था। महाराष्ट्र की रामराज आपकी इस महानता को पहचानने और उसका बखान करने के लिए महर्षि वाल्मीकि की जरूरत है, लेकिन नहीं गुरुजी। हे राजा, अगर आपको मेरी मानवीय सलाह स्वीकार नहीं तो काशी विश्वेश्वर और वेद धर्म के प्रतिनिधि की हैसियत से मैं आपको आज्ञा देता हूं कि आपको राज्याभिषेक करवाना ही होगा। शिवबा, इस हिंदवी स्वराज के चिरंतर कल्याण के लिए सभी इच्छाएं पूरी की है राजे, अब मेरी ये आने के सिंहासन को जी भर कर देखने की तमन्ना है मेरी राजे। शिवा, तुम्हारा राज्याभिषेक बस यही तो है मेरे जीवन की अभिलाषा। महाराज ने आखिर अपनी सहमति दी, राज्याभिषेक की तिथि निर्धारित की गई, समूचा रायगढ़ खुश हुआ, पूरे स्वराज को संतोष हुआ, सबसे ज्यादा खुशी मिली महाराष्ट्र भूमि को। राज्याभिषेक, राज्याभिषेक यानी राजा का भूमि के साथ विवाह, भूमि का विवाह तय हुआ शिवाजी राजा के साथ। वो फूली न समाई, गदगद हो गई मानो सुख चैन मिल गया, वो शर्माई
रायगढ़ के किले पर लोगों की चहल पहल और धूमधाम थी। शिवाजी राजा जीवन भर मृत्यु के संग आंख मिचौली खेलते रहे। हर संकट से बाहर निकलना जैसे राजा का एक और पुनर्जन्म हो रहा था, मंत्र बन गए। मां साहिबा के आंसुओं ने आज सप्त गंगा का रूप धारण किया। उनका शिवबा आज सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज छत्रपति बन रहा था। इसी दिन के लिए ही तो मां साहिबा ने जीवन भर तप किया था। मेरे बच्चों, धर्म और न्याय के साथ ये रामराज यूं ही चलाते रहो। जो सिंहासन की सीढ़ियां देखते ही महाराज को महसूस होने लगा, पहली सीढ़ी मेरा बाजी पासलकर, दूसरी सीढ़ी मेरा बाजी प्रभु देशपांडे। ये पृथ्वी मेरी पत्नी है और ये प्रजा मेरी संतान है। राजा होने के नाते मैं पूरी ममता से इनका पालन पोषण और संरक्षण करूंगा। अगर मेरे कर्तव्य पालन में कोई गलती हुई तो मैं स्वयं राज त्याग कर दूंगा, और फिर भी अनदेखी की तो मेरे राज पुरोहित को यह अधिकार है कि वो मेरे मस्तक पर राजदंड से प्रहार करें। Run!